अपडेट लेकर आपके सामने हाजिर हूँ और बात करूंगी कठुआकांड के नाबालिग आरोपी को लेकर। मैंने आपको कल जानकारी ये दी थी कि एक नाबालिग आरोपी की हड्डी की जांच की जाएगी, जिसके बाद पता चलेगा कि आखिर वो बालिग है या फिर नाबालिग है। अब मैं बताऊंगी कि आखिर उसके वकील ने क्या कुछ कहा है, नाबालिग के वकील ने, नाबालिग जो आरोपी है उसके वकील ने क्या स्टेटमेंट दिया है, और कहीं ना कहीं जो वकील का स्टेटमेंट है वो बता रहा है कि आरोपी जो है वो नाबालिग है। चलिए बताते हैं आपको। जनवरी महीने में कठुआ के एक गांव में 8 साल की बच्ची का रेप कर उसकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी। बच्ची घुमंतू समुदाय से थी और उसकी लाश जंगल से बरामद की गई थी। आरोपी नाबालिग की जो व्यस्कता है कि जांच के लिए जम्मू मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों का एक बोर्ड गठित किया गया जो बोन ऑसिफिकेशन जांच करेगा, और आयु संबंधित स्टेज को लेकर आवेदन क्राइम ब्रांच के एसएसपी आर के झल्ला ने दिया था। ये रिपोर्ट आगामी 2 जुलाई को सौंपी जाएगी। जो कि यहाँ पर जो ये खबर सामने आई है उसमें ये कहा गया है कि बोन ऑसिफिकेशन, बोन जो हड्डी की जांच करेगा, ये मैं आपको पहले ही अपडेट दे चुकी हूँ, जो बोन ऑसिफिकेशन है वो जांच करेगा, और फिर इसके बाद जो रिपोर्ट आएगी आगामी 2 जुलाई को, यानी कि 2 जुलाई के बाद 2 जुलाई के बाद कोर्ट बताएगा कि आखिर इस पर फैसला क्या आएगा कोर्ट का, मतलब कोर्ट की तरफ से फैसला जो आएगा वो रिपोर्ट के बाद ही आएगा। अब उस पर वकील ने क्या कहा है वो सुन लीजिए। आरोपी का वकील यानी कि प्रवेश कुमार उर्फ मन्नू जो कि सांझीराम का भतीजा, वही नाबालिग भतीजा है जिसकी एज को लेकर अभी काफ़ी पशुपेश की स्थिति पैदा हो रही है। तो आरोपी के वकील अंकुश शर्मा ने कोर्ट में कहा था कि नाबालिग की 10वीं कक्षा का सर्टिफिकेट अदालत में पेश किया गया है, जो कि आयु को साबित करने के लिए काफ़ी है और उसे साबित होता है कि आरोपी नाबालिग है। यानी अंकुश शर्मा जो कि आरोपी का वकील है, उसने साफ साफ ये कहा है कि जो 10th का सर्टिफिकेट हमने अदालत में दिया है वो नाबालिग की जो आरोपी है उसकी एज को साबित कर रहा है कि वो नाबालिग है, और ऐसे में जो उनका बयान, जो उसके वकील का बयान सामने आ रहा है, और वो बता रहा है कि 10th के सर्टिफिकेट के आधार पर वो आरोपी को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और बचाने की कोशिश करेंगे। चलिए आरोपी के वकील का तो स्टेटमेंट मैंने आपको बता दिया। एक खबर आपको बताती हूँ कि बीते दिनों एक खबर आई थी, 14 साल पहले का एक सर्टिफिकेट सामने आया था आरोपी को लेकर, और उसमें जो एज थी उस एज को लेकर SIT ने आधार बनाया था कि जो आरोपी है वो बालिग है ना कि नाबालिग है। अब यहाँ SIT का कहना और यहाँ पे आरोपी का वकील है अंकुश शर्मा उसका कहना, दोनों अब SIT तो यहाँ अपना पक्ष मजबूत करेगी और यहाँ पे अंकुश शर्मा अपना पक्ष मजबूत करेंगे, क्योंकि उनको बचाना है आरोपी को, किसी तरह बचाएंगे, और SIT को यहाँ पर सजा दिला है तो SIT उस हिसाब से अपने प्रूफ को पुख्ता करेगी। तो ऐसे में कुल मिलाकर जो था, यहां मैं दोनों का कंपैरिजन इसलिए कर रही हूं क्योंकि दोनों के पास है बर्थ सर्टिफिकेट। ये गौर करिएगा, दोनों के पास बर्थ सर्टिफिकेट है। अंकुश शर्मा कह रहे हैं 10वीं कक्षा का हमने बर्थ सर्टिफिकेट लगाया है, उसके आधार पर जो आरोपी है वो नाबालिग है। वहीं SIT कह रही है कि 14 साल पहले जो बर्थ सर्टिफिकेट, जो एक सर्टिफिकेट सामने आया है बच्चे को, वो आरोपी को लेकर, उससे साबित हो रहा है कि घर वालों ने झूठ बोला है और वो बालिग है। अब यहाँ पे बालिग या नाबालिग क्या है वो न्यायपालिका फैसला लेगी आगामी 2 जुलाई के बाद, जब यहाँ पर रिपोर्ट सामने आ जाएगी। तो ऐसे में अब ये कहीं ना कहीं जो है, आरोपी पहले एक केस था विशाल जंगोत्रा को लेकर, वो थोड़ा सुलझा तो एक उलझ गया आरोपी को लेकर, आरोपी नाबालिग को लेकर, उसकी एज को लेकर उलझ गया कि आखिर बालिग है या फिर नाबालिग है। यानी अभी जो है इस केस की प्रोसीडिंग अभी लंबी चलने वाली है, और वैसे भी चलेगी क्योंकि अभी आरोप तय हुए हैं। आरोप तय होने के बाद फिर पता चलेगा कि आखिर क्या कुछ सामने होता है, क्या सामने आता है और क्या इस पर कोर्ट फैसला लेती है। चलिए ये तो बात हो गई। अब एक अपडेट और सामने आई है, हालांकि ये अपडेट मैं आपको बता दूँ बीते 13 जून की है, और इस अपडेट में कोर्ट को लेकर ही कहा गया है, कोर्ट ने ही जो अफसर है उनको भटकाल जेल अधीक्षक को कुछ कहा है। ये देख सकते हैं, जेल अधीक्षक को अदालत ने पेश होने के निर्देश दिए हैं, और मैं आपको इस बात की भी जानकारी दे दूं कि जब तक आप अपना प्रोग्राम देखेंगे तब तक इसमें ये अपडेट है कि आज उन्हें कोर्ट में पेश होना, यानी कि आज 14 जून को कोर्ट में पेश होने के लिए अदालत ने जेल अधीक्षक को बोला है। आप देख सकते हैं, जम्मू कश्मीर के कठुआ में एक नाबालिग लड़की के साथ हुए बलात्कार और हत्या के मामले में सुनवाई कर रही पठानकोट की एक कोर्ट ने
बुधवार यानी कि 13 जून को कठुआ जेल के एक अधिकारी को गुरुवार यानी कि आज पेश होने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने ये निर्देश तब दिया जब बचाव पक्ष के वकीलों ने एक अर्जी दायर कर आरोपियों को उनके रिश्तेदारों से मिलने देने की मांग की। और जिला और सत्र न्यायाधीश ताजविंदर सिंह ने कठुआ जेल के अधीक्षक को निर्देश दिया कि वो गुरुवार सुबह यानी कि आज सुबह 11 बजे कोर्ट में पेश हो ताकि मामले के आरोपियों और उनके रिश्तेदारों की मुलाकात सुनिश्चित करने का रास्ता तलाशा जाए। और तिलक राज नाम के आरोपी के परिजन जो हैं परिजन के जो वकीलों की ओर से दायर अर्जी पर अदालत ने आदेश पारित किया है। और बचाव पक्ष के वकील असीम साहनी ने कोर्ट के बाहर पत्रकारों को इस बात की जानकारी दी है कि अपने मुवक्किल के परिवार की तरफ से हमने मंगलवार को एक अर्जी दायर की थी क्योंकि वो मामले में हर रोज हो रही सुनवाई से उससे मिल नहीं पा रहे हैं। और साहनी ने यह भी कहा है कि आम राय नहीं बन पाने के कारण कोर्ट ने कठुआ जेल के अधीक्षक से कहा कि वो व्यक्तिगत तौर पर पेश होकर कोई रास्ता निकालें। और उन्होंने ये भी कहा है कि आरोपियों को कठुआ जेल से लगभग 30 किलोमीटर दूर पठानकोट स्थित अदालत में हर रोज लाने के कारण उन्हें सुबह 9 बजे ही जेल से अदालत के लिए निकलना पड़ता है जिसकी वजह से उनके परिवार वाले उनसे मिल नहीं पाते हैं। साहनी ने कहा है उन्होंने आरोपियों का पक्ष रखा है कि आम राय नहीं बन पाने के कारण कोर्ट में कठुआ जेल के अधीक्षक से कहा गया है कि भाई वो व्यक्तिगत तौर पर पेश होकर कोई रास्ता निकालें क्योंकि आरोपियों को जब लाया जाता है पठानकोट कठुआ जेल से तो 30 किलोमीटर उसकी दूरी है और इस वजह से उन्हें 9 बजे निकलना पड़ता है। जो आरोपी हैं आरोपियों से उनके परिवार वाले मिल नहीं पाते हैं, ये कहना है जो आरोपी पक्ष है उसके वकील का ये कहना है, यानी बचाव पक्ष के वकील का ये कहना है। और वकील ने कहा है कि अपने घर वालों से मिलना किसी आरोपी का मौलिक अधिकार होता है। और कठुआ कांड में अदालत ने मुकदमे की सुनवाई बीती 31 मई से शुरू की थी, वो तो मैं आपको जानकारी दे चुकी हूँ। यानी कुल मिलाकर जेल अधीक्षक को पेश होने के लिए इसलिए कहा गया है ताकि वो इस मसले का हल निकाले क्योंकि आरोपी जो है अपने घर वालों से नहीं मिल पा रहे हैं। और तिलक राज नाम के एक आरोपी के घर वालों के वकीलों की ओर से एक अर्जी पर अदालत ने आदेश पारित किया है। जो आरोपी हैं जो 8 आरोपी हैं उसमें एक तिलक राज नाम का भी आरोपी है, उसके घर वालों ने ये अदालत में ये अर्जी दी है कि भाई मैं अपने भाई जो भी है तिलक राज जो भी है उससे मिल नहीं पा रहे हैं और उसको लेकर अदालत में एक अर्जी दायर की, उसी पर अदालत ने सुनवाई की है। और आज जेल अधीक्षक को तलब किया है, 11 बजे वो कोर्ट पहुंचेंगे, फिर बताएंगे न्यायपालिका को कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है। और इसी में असीम साहनी जो हैं बचाव पक्ष के जो वकील हैं उनका भी साफ साफ कहना है कि जो आरोपी हैं उनका एक मौलिक अधिकार है अपने घर वालों से मिलने का, इसे कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए कोशिश ये की जाए कि जेल अधीक्षक जो है पर्सनली हाजिर हों और फिर व्यक्तिगत तौर पर पेश होकर कोई रास्ता निकाले इस मामले पर क्योंकि उनको अपने घर वालों से भी मिलना है। कहीं ना कहीं घर वाले जो हैं परेशान हो रहे हैं और घर वालों को अपने बच्चों से या अपने भाई अपने पिता अपने पति जो भी हैं वो रिश्ते में जो भी लगते हों उनसे मिलना है, यानी कि आरोपियों से मिलने के लिए उनके घर वालों ने कोर्ट में याचिका दायर की थी। अब उस पर कोर्ट आज जो है सुनवाई करने वाली है और जेल अधीक्षक को तलब किया गया, यानी जेल अधीक्षक आज बताएंगे न्यायपालिका को कि आखिर क्या करना है और क्या उन्होंने सोच रखा है। तो ये दो बड़ी अपडेट थी, एक अपडेट ये थी कि जो यहाँ पर जो आरोपी जो नाबालिग आरोपी है उसका वकील जो है अंकुर शर्मा उनका स्टेटमेंट सामने आया है कि किस तरीके से। अब वो अंकुर शर्मा ने कहा है कि 10वीं कक्षा के सर्टिफिकेट को उन्होंने आधार बनाते हुए कहा है कि आरोपी नाबालिग है। तो वहीं एसआईटी का साफ साफ कह रहा है 14 साल पहले सर्टिफिकेट के आधार पर कि आरोपी बालिग है। अब यहाँ पे दूसरी खबर ये है कि जेल अधीक्षक को आज कोर्ट में पेश होना है और जेल अधीक्षक बताएंगे कि आखिर आगे क्या उन्हें करना है। और वहीं बचाव पक्ष के वकील असीम साहनी ने कहा है कि वो पर्सनली तौर पे हाजिर हों और बताएं कि इसका बीच का रास्ता क्या निकाला जा सकता है क्योंकि आरोपियों का भले ही वो आरोपी हैं भले ही वो जेल में बंद हैं लेकिन उनका एक हक है कि वो अपने घर वालों से मिल सकें, इसलिए जो है जेल अधीक्षक इसका कोई निदान निकालें और इसी बाबत अब उन्हें कोर्ट में इसके बारे में अपनी बात रखनी होगी। तो यानी कि कुल मिलाकर जो है अभी फिलहाल कठुआ कांड से ये दो बड़ी अपडेट मैंने आपके सामने पेश की हैं, लेकिन और भी अपडेट आते रहेंगे हम आपके सामने लाते रहेंगे। लेकिन अब यहाँ पर हम सबको अब निगाह बनानी पड़ेगी 2 जुलाई की, जब 2 जुलाई को रिपोर्ट सामने आएगी बोन ऑसिफिकेशन की और उसके बाद पता चलेगा कि आखिर आरोपी बालिग है या फिर नाबालिग है। लेकिन हम जाते जाते आपको बता दें कि हम मीडिया ट्रायल और न्यायपालिका के किसी भी काम पर सवाल नहीं खड़ा करना चाहते, ना हमें ये राइट है और ना हम ये करेंगे।
और हाँ, हम सिर्फ खबरों के अनुसार आपको बातें बताते हैं, खबरों के मद्देनजर आपको बातें बताते हैं। हमारा कोई मकसद नहीं है मीडिया ट्रायल करने का और ना ही कोर्ट के किसी फैसले, कोर्ट की किसी बात पर इंटरफेयर करने का, क्योंकि ये हमारा दायरा नहीं है, हम उसमें नहीं आ सकते हैं। तो ऐसे में ये दो बड़ी अपडेट थी और अब देखते हैं कि और क्या कठोर कारण से जुड़ी बड़ी अपडेट आती हैं, लेकिन कुल मिलाकर यही है कि हमने और आपको 2 जुलाई का वेट करना पड़ेगा दर्शकों, और फिर देखते हैं कि आखिर आरोपी नाबालिग जो आरोपी है परवेश कुमार उर्फ मन्नू, उसके खिलाफ न्यायपालिका क्या फैसला लेती है। लेकिन तब तक के लिए नमस्कार।